Assalamualaikum everyone. Welcome to this fifth video on A-levels mathematics. Today we will be covering logarithms and exponential functions partially, as much as the time is going to allow. This is the second topic for A2 mathematics. Okay, so AS students के लिए ये relevant नहीं है. However, if you are doing further math, तो आप लोग ये ऑलरेडी कर रहे होंगे और इसमें से बहुत सारी चीजें विल बी फेमिलियर टू यू इफ यू हैड ऑलरेडी डन एड मैथ इन योर ओ लेवल्स. अच्छा, तो सी तो लुक एट, हमने ओ लेवल्स में कुछ चीजें पढ़ी थी कि जब पावर, सो इफ यू आर गिवन ए रेस टू द पावर माइनस एन, दिस इज इक्विवेलेंट टू से वन अपॉन ए रेस टू द पावर एन. पावर जब अपना न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है किसी कांस्टेंट की या किसी वेरिएबल के ऊपर, तो वो हमेशा साइन चेंज कर लेती है. इसी तरह पावर्स आउटसाइड एंड इनसाइड द ब्रैकेट गेट मल्टीप्लाइड, सो दिस इज अनदर रूल. इसी तरह इफ यू रेज एनीथिंग, एनी वेरिएबल और एनी नंबर टू द पावर 0, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ 1. ऑलराइट. अच्छा, इसी तरीके से इफ यू हैव गॉट सिमिलर बेसिस, फॉर एग्जाम्पल हियर ए रेज टू द पावर 5x इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 25, सो वी कैन से दैट वी विल जस्ट सिंपली ड्रॉप द बेसिस एंड वी विल से 5x इज इक्वल टू 25 हियर एंड देन यू कैन सॉल्व फॉर x, x इज इक्वल टू 5. ओके, इसी तरीके से इफ यू हैव पावर सिमिलर बट द बेसिस आर डिफरेंट, then we can drop the powers and we can compare the bases. So B is equal to C. So for example, if you are given a question, 25x is equal to 5, we can rewrite 25 as 5 raised to the power 2. Powers inside and outside get multiplied, so this becomes 2x. 2x is equal to, यहाँ पे हमें पता है कि अगर 5 लिखा है, so we can rewrite it as 5 raised to the power 1. So 2x is equal to 1. 2x is equal to 1, so x is equal to half. And we know that if we put x as half, this is going to give us 5. So here's the validation. Similarly, if you are given a question, 0.4 or 2/5 of x half divided by 2x raised to the power minus 2. तो जब हम इस साइन से इस साइन पे आते हैं तो हम इसे वन अपॉन कर देते हैं. फिर ये पावर अगर हमें सॉरी, ये मैंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे मैं रीराइट कर देता हूँ. ये है एक्स रेस टू द पावर माइनस टू. सो व्हेन वी टेक दिस हियर इन द न्यूमरेटर, दिस इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव. ये टू इस टू के साथ कट जाएगा, सो यहाँ पे रह जाता है एक्स की पावर हाफ, ये 5 यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से आपके पास रह जाता है एक्स स्क्वेयर्ड. देन एक्स स्क्वेयर्ड मल्टीप्लाई बाय एक्स टू, जब हमारी बेसिस सेम होती हैं और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ये भी हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था. तो हाफ प्लस टू इज इक्वल टू 2.5 और 5/2, तो ये हमारे पास रह जाएगा एक्स रेज टू द पावर 5/2 अपॉन 5. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, इसी तरीके से ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि हम जब 2/2 को हम माइनस इसे 1 कर देते हैं, तो ये असल में होता ये है कि 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 1, जब ये डिवाइड होता है तो 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. एनीवे, सिंस वी नो ऑल ऑफ दिस नाउ, वी कैन कम टू द लॉगरिथम्स पार्ट. नाउ इट सेज इफ यू आर गिवन एन इक्वेशन इन दिस फॉर्म, a raised to the power n is equal to b, then we can rewrite this as log logarithm of a base to the power b is equal to n. इससे हमें n की वैल्यू मिल जाती है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 2 raised to the power x is equal to 3, तो हम इसे लिख सकते हैं log 3 raised to the log 3 to the base 2 is equal to x. इसको आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, इससे आपके पास एक्स की प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी. जो भी आपसे एग्जामिनर मांगेगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप उस हवाले से उसे दे दो. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वर गिवन दिस क्वेश्चन, ये जो हमने अभी ऊपर देखा था 25x रेस 25 रेस टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 5 टू द बेस 25 इज इक्वल टू एक्स. अब हम इसको आगे सॉल्व करने का भी तरीका देखेंगे कि किस तरीके से इवन दिस कैन गेट
सिंप्लीफाइड, ठीक है, बट वो अभी हम आगे के लिए रखते हैं। ये याद रखना यार कि हमने जो है ना, वी आर डिनोटिंग दिस रूल बाय ए, तो हम वी विल बी रेफरिंग दिस बैक एंड फोर्थ, रेफरिंग टू दिस बैक एंड फोर्थ। तो लेट्स से देयर इज अ फंक्शन गिवन 10 रेज टू द पावर एक्स। इफ वी आर आस्क्ड टू इक्वेट एफ एक्स इज इक्वल टू 6 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस मीन्स 10 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 6। सो वी कैन राइट log 6 to the base 10 is equal to x। इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा एक चीज हमें पता है कि लेट्स से अगर हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं, तो अगर हम प्लॉट करते हैं x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा एफ एक्स, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास एफ एक्स 10 आ जाएगा। तो हमें ये समझ आ गया कि x जो है वो ना 1 है ना 10 है, बट इट इज समवेयर इन द मिडल। तो ये हमें समझ आ गया। एक्स जो है वो लाए करेगा, सॉरी नॉट 10, एक्स लाए करेगा बिटवीन 1 एंड 0। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सो एक्स इज गोइंग टू लाई बिटवीन 1 एंड 0। ये एक वैल्यू हमने एक्स की ली थी, ये दूसरी वैल्यू। ओके अच्छा, अब अगर मैं ये वाई इज इक्वल टू 10x का ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये जो हमें फंक्शन ऊपर दिया हुआ था इसको अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा हमने देखा था कि जब हमने एक्स की वैल्यू 0 ली थी तो ये 10 रेज टू द पावर 0 बिकेम 1, सो दिस पॉइंट इज 1। और जब हमने 10 की वैल्यू 1 ली थी तो ये बन गया था एफ एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10, अगर एक्स 1 होता है, ठीक है। तो जब एक्स 1 था तो एफ एक्स हमारे पास 10 बन गया, ठीक है, एंड सो फोर्थ। यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है। अच्छा इन्होंने एक्स की डोमेन दी हुई है -2 से 2, तो इन्होंने यहां से लेके यहां तक इसे प्लॉट किया है। अच्छा इफ वी वर टू फाइंड जो इन्होंने दिया था 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 6, अगर हमें इसकी वैल्यू 6 फाइंड करनी है, तो हम इसे ये वाला हम x लें, इससे हम करिस्पॉन्डिंग वैल्यू ये निकाल सकते हैं कि एक्स नॉट जो है वो क्या है। हाउ एवर इससे हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट नंबर आएगा, इससे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो जो कि मैंने यहाँ पे जब ग्राफ को आप थोड़ा सा जूम इन करते हो तो आपको समझ आ जाता है कि ये इफ दिस इज 0.2, दिस इज 0.6, दिस इज 0.8, तो स्लाइटली लेसर देन 0.8। हाउ एवर फॉर एक्यूरेट सोल्यूशंस वी कैन यूज लॉगरिथम्स। आप इसमें मैंने आपको बताया था कि हम जब इसे एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, मतलब इस वाली चीज को बाय यूजिंग ए, सॉरी मैंने आपको जो बताया था ऊपर हमने जो वो रूल लिखा था, तो ये एक्स की वैल्यू निकल सकती है ये। अच्छा इसमें आप ये देखो, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया हुआ है, उसमें यहाँ पे एक बटन होता है लॉगरिथम का। आपने क्या करना है, इसको सीधा सीधा आपने डालना है, लॉग दबाओगे ना तो यहाँ पे यूं करके आपको दे देगा। आप इसमें लिखो, आप इसमें 6 डालोगे, ब्रैकेट बंद करोगे, फिर आप डिविजन का साइन लगाओगे, फिर लॉगरिथम दबाओगे तो वो आपको ये दे देगा, फिर आप इसमें 10 डालोगे और तो ये आपको आंसर दे देगा 0.77815 फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अच्छा ये मैंने 6 और 10 जो यहाँ पे डाला है वो किधर से आ रहा है, गिव मी अ बिट, 6 आ रहा है यहाँ से और 10 आ रहा है बेस से। अच्छा फिर एक और फंक्शन होता है, किसी किसी के कैलकुलेटर में नहीं होगा, जो हमारे पास ये वाला फंक्शन होता है। सो जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरीके से करके आ जाएगा, तो ये आ जाता है। तो आप अपने कर्सर को इसको, ये जो आपके पास सॉरी ये वाली जो की है और ये वाली जो की है, ये वाली जो की है, इनको यूज करते हुए आप इधर आके अपना 6 लिखो, इधर आके अपना 10 करो, इक्वल टू का साइन दबाओ, आपके पास आ जाएगा 0.77815, वट एवर इट इज, आई थिंक दिस इज 815। सो द रूल सेज लॉग वाई टू द बेस 10 इज द पावर दैट 10 मस्ट बी रेज टू और 10 मस्ट अटेन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वाई, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई की बेस 10, और जब इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये बन जाता है 10 की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो सी ये
ये सेम चीज है ना कि एक्स इज द पावर, क्योंकि जब हम इसको कह रहे हैं ये हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, राइट? सो वो कह रहा है कि दिस एक्सप्रेशन और एक्स इज द पावर दैट 10 मस्ट अटेन और 10 मस्ट बी रेज टू 10 रेज टू पावर एक्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वाई, दिस वाई, राइट? सो फॉर दीज प्रिसाइज वैल्यूज इन इन सम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जब हम वहां पे अटक जाते हैं तो उसके लिए हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस हम यूज करते हैं। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी, जब हम एफ और एफ इनवर्स, एफ के अंदर एफ इनवर्स का फंक्शन डालते हैं तो ये हमें एक्स देता है, राइट? सो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास आ रहा था लॉग एक्स टू द बेस ए और ये फंक्शन 10 to the power y इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों जो होते हैं ना, अगर ये एफ है तो ये एफ इनवर्स होता है। तो जब f के अंदर आप f इनवर्स डालोगे तो वो आपको x देगा सिर्फ। इसको भी मैं आगे प्रूफ करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सो लेट्स से यू आर गिवन अ फंक्शन, जो हमें हम ऊपर वाली ही एग्जांपल को यूज करते हैं, 10x इज इक्वल टू वाई। f इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता है, अगर आपको याद हो ओ लेवल मैथ से, कि हमें x और y को स्विच कर देना होता है। तो हम y की जगह x लिख देंगे और x की जगह y लिख देंगे। अब यहां से हमें जब y को सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये आप देख लो, जब हमें इसमें y को सब्जेक्ट बनाना है तो हम इसमें करेंगे log, या log y टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक देयर इज एन एरर हियर, लेट मी जस्ट फिक्स इट करेक्टली फॉर यू गाइस, वेट गिव मी अ मिनट। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू y और इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, ठीक है? अब जब आप f में f इनवर्स ऑफ x डालोगे तो f आपके पास क्या था, fx आपके पास 10 रेज टू द पावर x है। f के अंदर अगर मैं x की जगह f इनवर्स ऑफ x डाल दूं तो ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर, f इनवर्स क्या है, log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। ये रूल हमने याद रखना है, ठीक है? ये हमारे पास इस डेरिवेशन से आ रहा है। इसके बाद हम दिखाएंगे कि हम इसी चीज को यूज करते हुए हम बहुत सारी चीजें आगे मेथड्स में हम सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आप लोगों के लिए, इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो लेट्स से यू आर गिवन लॉग 10 टू द बेस 100, तो ये बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा बाय दिस वेरी लॉजिक जो मैंने आपको अभी उत्तर बताया था, कि log y टू द बेस 10 इज द पावर दैट 10 मस्ट बी रेज टू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन y। नाउ बाय दिस 100 टू द पावर समथिंग शुड बी इक्वल टू 10, राइट? इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, 100 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 10। हमें यहां से पता लग जाएगा 10 की पावर 2x इज इक्वल टू 10 की पावर 1, हेंस ड्रॉप द बेसिस, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हाफ। अगेन 10 इस वाले एग्जाम्पल में 10 रेज टू द पावर समथिंग टू बिकम 100, तो वो हो जाएगा 2। किस तरीके से, वापस से अगर मैं इसको यहाँ पे कर लूँ तो आप देखोगे 10 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 100, 10 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2, ड्रॉप द बेसिस, एक्स इज इक्वल टू 2, या आ गया हमारे पास 2। सिमिलरली हियर 5 रेज टू द पावर 2 शुड बी इक्वल टू 25, 81 रेज टू द पावर हाफ, मतलब 81 को जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो 9 बनता है। और यहां से आप ये भी देख लो कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा, इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 8 रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ और ये 4 हो जाएगा, 3 3 गेट्स कैंसिल्ड, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। मैं अपनी वीडियोस थोड़ी सी फास्ट पेस रखता हूँ विद द अजम्पशन दैट यू गाइस हैव ऑलरेडी डन इट इन योर स्कूल्स। अनफॉर्चुनेटली इफ सम ऑफ यू आर टेकिंग रीटेक्स इन अक्टूबर नवंबर, तो आपके लिए एक क्विक रिविजन हो जाएगा इनटू
ए टू। तो आप लोग ये आगे, आप लोगों ने अभी तक, वी आर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग अक्टूबर, आप लोग का अगस्त से क्लासेस हो चुकी होगी ऑलरेडी, यू मस्ट बी ऑन ऑन डिफरेंशिएशन और समथिंग। तो आप लोग ये ऑलरेडी कर चुके होंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिविजन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये देखो, हमने एक ये किया था, ये रूल याद है आपको, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, राइट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब इसको आप ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हाँ, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ओबर डेफिनेटली लॉगरिथम है, मगर मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको निकाल रहे होते तो हम क्या करते हैं, लॉगरिथम एक्स 10 हमारे पास इधर आ जाता है, टू द बेस 10 इज इक्वल टू पावर इधर आ जाती है, राइट, इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10, राइट। ये वाली चीज हमारे पास प्रूव हो गई जो हमने बोला था। इस वाले रिजल्ट से हमारे पास ये डिराइव हुआ था, और हमने इस वाले रिजल्ट को देख लिया कि ये वेरीफाई करता है, ऐसा नहीं है कि इन इक्वालिटी आ जाएगी, इक्वालिटी स्टैंड्स ट्रू, ठीक है। ओके, इस वाले को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इफ फंक्शन इज 10x, देन हम इसे एफ एक्स की जगह वाई भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स हम निकालते हैं। अच्छा, ये वही सारी चीज है जो मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका था, यू कैन रिविजिट इट एंड जस्ट राइट दिस समवेयर डाउन, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ऊपर ऑलरेडी ये सारा मैंने ऊपर करा दिया, ये थोड़ा सा नीट फॉर्म में आपके पास रीइटरेट हो जाएगा, इसको ध्यान से वापस देख लो, दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिविजन। नाउ लेट्स से वी वांट टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 10 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 50 है। नाउ देयर इज नो वे यू कैन डू इट विदाउट अ कैलकुलेटर, राइट। सो इसको हमने सीधा सीधा लॉगरिथम की फॉर्म में शिफ्ट करना है, 58 टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्स, और इसमें आप क्या करोगे, लॉगरिथम को क्लिक करो का बटन प्रेस करोगे, उसके अंदर 58 डालोगे, फिर डिवाइड का साइन लगाओगे, फिर लॉग का बटन यू आर गोइंग टू प्रेस, और ये इस तरीके से एक आपके पास कमांड आ जाएगी, इसके अंदर 10 डालोगे, इक्वल्स का साइन दबाओगे, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वैल्यू ऑफ 1.763। ये मैंने भी कैलकुलेटर से निकाल के यहाँ लिखी है यार, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होना कि ये कैसे कर लिया। अच्छा नाउ ये तो एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड ये होता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी 10 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 58, सो आई कैन पुट अ लॉग ऑन ईदर साइड, बट वी नीड टू मेक श्योर दैट दीज बेसिस आर द सेम, राइट। सो व्हेन आई गेट लॉग, अच्छा अब हमने रखना ऐसा होता है कि जहां पे हमारे पास वेरिएबल में जो नंबर होता है ना उसी की बेस हो, ताकि वो कैंसिल हो सके। रूल ये कहता है कि लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू 1। रूल एक और चीज कहता है, लॉग ए टू द पावर एक्स रेस टू द लॉग ए टू द पावर एक्स एंड विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स, पीछे आ जाएगा, इसका आगे प्रूफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लॉग ए टू द बेस ए, ये ए टू द बेस ए 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कुछ याद रखो, इसी चीज को यूज करते हुए हमारे पास यहाँ पे आ गया लॉग 10 टू द बेस 10 एक्स, एक्स पीछे आ जाएगा तो ये एक्स आ गया, लॉग 10 टू द बेस 10 बाय दिस रूल बिकम्स 1, सो एक्स यहाँ से नीचे आ जाएगा, और फिर ये वाली वैल्यू जो है वो आप ऊपर से निकाल लोगे जो कि 1.763 आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स से यू आर गिवन एन एक्सप्रेशन और बेसिकली एन इक्वेशन लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3.5, सो हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी हम नाउ बाय दिस इक्वेशन वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ से आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू एक्स, ये आप कैलकुलेटर में डालोगे 1000 से ऊपर की कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाय दिस अदर मेथड, ये हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया था कि इफ यू आर गिवन एन इक्वेशन जहां पे आपके पास बेसिस सेम है, तो यू विल ड्रॉप द बेसिस एंड कंपेयर द पावर्स, राइट। ये मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर भी हमने इस रूल को यूज करते हुए बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी, अगेन जो मैंने आपको ऊपर बताया था उसी में ये सारी चीजें आ रही हैं, उसी को मैंने यहाँ पे रिइटरेट करा है जो मैं ऊपर आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली यहाँ पे मैंने करा ये है कि लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू, अगर 3.5 है तो मैं कर क्या सकता हूँ कि हमें ये पता होता है ना कि
ये कंपेयर इस तरह भी हो सकता है कि ये हमने 10 रेस, ये 10 की पावर हम बनाते हैं, क्योंकि इट कुड बी एनीथिंग। ए रेस टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 3.5। इसमें जब हम इन दोनों को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ए की जगह 10 ले लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, इस रिजल्ट से हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आएगा 10 log x to the base 10 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3.5। हमने ऊपर एक और चीज देखी थी कि एफ एफ इनवर्स जो होता है वो एक्स ही रह जाता है, तो उसमें हमने ये बार आप लोग स्क्रॉल अप करना, आपको ये रिजल्ट दिखाई जाएगा, बल्कि मैं आपको जल्दी से अभी दिखा देता हूं। ये मैंने आपको एफ इनवर्स का इधर कराया है, ठीक है, ये देखो ये रिजल्ट जो है, मैं इसको दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। 10 रेज टू द पावर log x to the base 10 इज इक्वल टू एक्स। जब ये बेस और जो इस पूरे एक्सप्रेशन की बेस सेम होती है तो फंक्शन सिर्फ ये रह जाता है, राइट। यही रिजल्ट हमने यहाँ पे भी यूज करा है, जो अभी आप लोग देख रहे थे कि जब हमारे पास ये बेस और ये बेस सेम है तो यहाँ पे इनफैक्ट सिर्फ एक्स रह जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3.5। तो दिस इज लॉन्गर मेथड टू डू, आप लोग बस इजी वाला सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे भी कर सकते हो, बट यू मस्ट नो एवरीथिंग, क्योंकि कभी भी आपको एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। लेट्स कम टू दिस अदर क्वेश्चन। लेट्स से यू आर गिवन एन एक्सप्रेशन लॉग क्यूब रूट ऑफ 10 टू द बेस 10, ठीक है। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को लेट्स डिनोटेड बाय 5, सो वाई इज इक्वल टू दिस। हम एक तो काम सिंपल सा ये कर सकते हैं कि इस वाली चीज जो हमें हम करते हैं, क्या करते हैं कि आप इसको करते हो, जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो जो ये बेस होती है ये इक्वल साइन के अंदर वाली चीज की बेस बन जाती है और ये एज इट इज इधर आ जाता है, क्यूब रूट ऑफ 10। क्यूब रूट ऑफ 10 को हम यू भी लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 1/3। नाउ सिंस बेसिस आर सेम वी कैन कंपेयर द पावर, सो वाई इज इक्वल टू 1/3। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, वो मैंने इधर बताया हुआ आपको, कि अगर हमारे पास ये गिवन है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग 10 रेज टू द पावर 1/3 टू द बेस 10। इसमें हम 1/3 को पीछे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय log 10 टू द बेस 10। ये हमारे पास वही रूल आ गया कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, तो इस पूरी चीज को हम 1 लिख देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3। यही सारी चीजें मैंने यहाँ पे राइटिंग में, ठीक है। नाउ इफ यू वर टू एवेल्युएट दिस, आई रादर दैट आई डोंट एक्सप्लेन दिस, और आप लोग ये खुद करो, पॉज दिस वीडियो, गिव इट एन अटेम्प्ट, इसको आप अटेम्प्ट करो खुद, अगर आपको सही आ जाता है तो वेल एंड गुड, इसको आंसर मत देखना। आई होप यू हैव डन इट। सबसे पहले इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10, इसको मैं सॉरी ये स्क्वायर रूट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 2 अपॉन 10 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10 2 माइनस 3 अपॉन 2, जो कि बन जाता है हाफ, सो 10 की पावर हाफ। ये पूरी चीज जो है ये बेसिकली लॉग 10 की पावर हाफ टू द बेस 10, ये चीज पीछे आ जाएगी तो ये बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय log 10 टू द बेस 10, ये 1 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास अगेन बाय दिस मेथड एज वेल, हाफ, ठीक है। ओके, ये छोड़ दो यार, ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आई वाज जस्ट अटेम्प्टिंग सम हायर लेवल मैथमेटिक, फिर इसमें मैं अभी इसको बाद में करूंगा, इसमें इलिप्टिकल इक्वेशंस वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे अगर आपको बोलते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज वेरी इजी, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो मैंने यहाँ पे ये इस तरह लिख दिया, ये एक्स है, ये इसको एक्स रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं, x 1/3 - 1 इज x - 2/3, ये होता है -2/3, ये -2/3 यहाँ पे पीछे आ जाएगा तो ये -2/3 मल्टीप्लाई, ये
ये जो होता है ये 1 बन जाता है, हेंस योर आंसर इज गोइंग टू बी -2/3। ठीक है, सिमिलरली इफ यू वुड टू डू दिस, इसमें आप सिंपल क्या करोगे, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, बेस जो है वो इधर बेस बन जाएगी, इक्वल के साइन के इधर जो आता है उसको आप इधर पावर में लिख दोगे, और ये वाला फंक्शन जो है ये इक्वल साइन के इधर आ जाए। ठीक है, इसका थोड़ा सा यू विल गेट अ हैंग ऑफ दिस के लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू वाई को हम बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू ए लिखते हैं। ये जब आप रिपीटेडली करोगे तो आप लोग भी बहुत इजीली कर सकोगे। 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, हमें पता है कि अंदर और बाहर ब्रैकेट की जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2x² हो जाएगा, ये 3 - 5x हो जाएगा, जब पावर सेम हो जाएगी सो वी विल ड्रॉप द बेसिस एंड वी कैन कंपेयर 2x². अब देखो यार यहाँ पे मैंने मसला किया भाई, मैंने यहाँ पे 2x² नहीं लिखा, सो 2x² लिखना होगा, तो फिर हमारे पास ये छोड़ दो ये गलत किया है मैंने, यहां से जब हम आएंगे तो 2x² 3 2 6 +6x - x - 3 = 0, 2x x+3 - 1 x+3 = 0, सो x = 1/2 x = -3। अच्छा हम x को हमें देखना है कि x किधर है, तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, और अगेन यार इन वैल्यूज को आप हमेशा जो है ना ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखा करो कि सेटिस्फाई कर रहे, यूजुअली नेगेटिव, आप इसे करके वेरीफाई करो और मुझे बताना कि वेदर दिस वैल्यू इज गेटिंग वेरीफाइड इन द ओरिजिनल फंक्शन और नॉट। ठीक है, अच्छा अब ये कुछ और रूल्स आ गए यार, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल आएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स आएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास दो लॉगरिथम्स विद द सेम बेसिस इफ दे आर गेटिंग एडेड, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो इसके ये जो मेन प्रिंसिपल वैल्यू होती है ये इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, राइट, और अगर माइनस साइन होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका इसका प्रूफ आपको नहीं करना। अच्छा इस फंक्शन के होने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास बेसिस सेम, हमारे पास बेसिस सेम। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे अलग से भी लिखी थी, ये अगेन वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट हियर, इसको मैं इसके प्रूफ में ये यूज होगा। एक्स वाई का मैं आपको बता देता हूँ, और आपने जो एक्स अपॉन वाई है वो आपने खुद करना है। सो वी आर सेइंग कि एक्स वाई जो होता है ये होता है लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए, तो इसको हम x इंटू वाई को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय अ मल्टीप्लीकेशन साइन। अब x को हम कैसे लिख सकते हैं, वो जो मैंने f और f इनवर्स वाला रिजल्ट है वो क्या होता है, x को मैं लिख सकता हूँ a log x टू द बेस a। ठीक है, अब हमारे पास लेट से अगर यहाँ और मैं x को ये भी लिख सकता हूँ log b log x टू द बेस b, बट हमें चूंकि ए में करना है तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया कि एक्स को हमने लिख दिया ए लॉग ए टू द बेस लॉग ए एक्स टू द बेस ए, और वाई को हमने लिख दिया, इस वाले वाई को हमने लिख दिया ए रेस टू द पावर लॉग वाई टू द बेस ए। अच्छा अगेन दिस प्रूफ इज फॉर दोस्त हु मे बी इंटरेस्टेड इन, यार ये थोड़ी सी होशियारी वाली चीज होती है ना, आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के आप बता रहे हो तो यार मुझे तो इसकी डेरिवेशन भी पता है, ये इस चीज के लिए से, बाकी आप लोग अगर इसे ओमिट करना चाहो तो आगे बढ़ जाओ। अच्छा हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती है तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, राइट, सो लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए। अब हमारे पास ये 1 एक्सप्रेशन बन गया हमने, तो अब हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया लॉग ए टू द बेस ए, अगर मैं इस पूरी चीज को मैं बी बोल दूं तो ये इसकी पावर बी है, बी क्या होगा, बी पीछे आ जाएगा, तो ये भी ये पूरी चीज उठ के यहाँ पे आ गई है, ये मैंने इधर रेड से लिखा है, ये लॉग ए टू द बेस ए रह गया, ये 1 बन जाएगा, हेंस द आंसर इज लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए विच इज सेम एज दिस थिंग। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब मैं चाहूंगा कि यू गाइस प्रूफ द सब्ट्रैक्शन लॉ, ठीक है, उसमें ये ही होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन लॉ क्या कहता है, मैं यहाँ पे जल्दी से आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि लॉग एक्स अपॉन वाई टू द बेस ए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग द बेस ए एक्स को लिख सकता हूँ ए लॉग एक्स टू द बेस ए अपॉन ए
log y to the base a। अब हमारे पास जब ये पावर सेम है तो ये जो हमारे पास पावर्स हैं इसकी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एक दूसरे से, तो क्या बन जाएगा log a, इधर भी आ जाएगा a log x टू द बेस a माइनस, ये माइनस इस डिवीजन की वजह से हो रहा है, log y टू द बेस a। अच्छा अब ये जो है ये पूरा इसकी इस लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू की पावर है, ये यहाँ पे पीछे आ जाएगी, विच इज द सेम रिजल्ट एज जो हमने यहाँ पे लिखा था दिस वन। ठीक है। अच्छा रूल नंबर 3 ये होता है, इसका भी मैंने प्रूफ करा हुआ है, वो आप लोग खुद देख लेना, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब ये पावर होती है ये पावर पीछे आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास ये थर्ड रिजल्ट आ गया, इसका मैंने ये प्रूफ किया हुआ है, बहुत ईजी है, मैंने 2 दफा आपको ऊपर बता दिया, ये आपको ईजी समझ आ जाएगा। अच्छा नाउ दिस इज ईजी, अगर आपको ये सिंप्लीफाई करने को बोलता है तो आपने सिंपल क्या करना है, यू कैन राइट दिस एज अ पावर ऑफ 10, 10³/5, इसको ये 1/100 है तो 1/10² है तो 10^-2 है और ये 5 है। ठीक है, जब हमारे पास ये डिवाइड हो रहे होते हैं तो इसमें क्या है, आप इस 3 को पीछे लेके आ जाओ, इस -2 को इधर लेके आ जाओ, तो आपके पास बन जाएगा 3/-2, यहाँ पे आ जाएगा log 5, यहाँ पे आ जाएगा log 5, और दोनों की प्रिंसिपल वैल्यूज 10, सो दिस गेट्स कैंसल्ड एंड बिकम्स 1, सो योर आंसर इज -3/2। यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है, यही चीज -3/2 आपकी यहाँ पे भी आएगी, ये रहा माइनस साइन। ठीक है। अच्छा लेट्स से यू हैव टू मेक दिस जी अ सब्जेक्ट इन एन इक्वेशन log z-1 to the base 3 log z to the base 3 इज इक्वल टू 1+log y to the base 3। हमें एक बात पता है कि log z to the base z इज इक्वल टू 1, सो इस 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ log 3 to the base 3 फॉर सिंप्लिसिटी, वही मैंने किया है। अच्छा हमें इस माइनस का पता है कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो मैंने इधर कर दिया, इसको मैंने log 3 to the base 3 लिख दिया, इसको y to the base 3 लिख दिया, इस प्लस की वजह से ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे फॉर लॉगरिथमिक एडिशन लॉ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 3y आ गया, ये इधर आ गया, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास बेस फंक्शन सेम है इसको हम काट देंगे, z-1/z=3y, हमें z को सब्जेक्ट बनाना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z के सारे z सारे वेरिएबल्स एक साइड पे करेंगे, z कॉमन लेंगे, बीच का एक स्टेप अगर आप लोग को चाहिए तो वो ये है 1-3y=1, उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड हेंस दिस इज योर आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। इफ यू आर गिवन अ कंडीशन log x to the base a = 7 एंड log y to the base a = 4 एंड इफ दे आस्क यू टू सिंप्लीफाई दिस, बहुत इजी है, इस डिवीजन का मतलब ये है कि हम इस फंक्शन को 2 तरीके से लिख सकते हैं, log y to the base a, और चूंकि ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस साइन लगा देंगे, log³√x to the base a, यही चीज मैंने यहाँ पे करी है। अच्छा log y to the base a हम अब ऊपर देखेंगे तो वो 4 दिया हुआ था, ठीक है, अच्छा इसको मैंने एक स्टेप ओमिट करा है, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम यूं लिख सकते हैं, log x की पावर 1/3 to the base a, 1/3 पीछे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 log x to the base a, ये हमारे पास 7 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये फिर इवेंचुअली हो जाएगा 4-7/3, 1/3 × 7 = 7/3, इसका आप एलसीएम लोगे तो 5/3 इज गोइंग टू बी द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस। अच्छा लेट्स से यू आर आस्क्ड टू साइमल्टेनियसली सॉल्व सेट ऑफ इक्वेशन, ये बहुत इजी है, हमें 2 के साथ सिंपली क्या करना है, log 2 10 to the base 10 लगाना है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे करा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 जो है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 2x-17y = log 10²10, ये मैंने log 10/10 इधर इसलिए ऐड किया क्योंकि ये 1 है, सो अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो मैं 2 is 2/1 भी लिख सकता हूँ ना 2 को, और 1 को जो है मैं log 10 to the base 10 भी लिख सकता हूँ, हमारे पास यहाँ पे base 10 है इसलिए हमने यहाँ लिखा है ताकि
हम लोग इसे इजीली बेसिस को इन चीजों पर ड्रॉप कर सके, राइट। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x-17y = 100। यहां से मैंने x को सब्जेक्ट बनाया तो x = 100+17y/2। याद, ये तो पूरा उड़ गया, x = 100+17y/2। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं यहां से इस इक्वेशन को यूज करता हूँ तो ये 2 जो इधर है ये y की पावर बन जाएगा। सो ये बन जाएगा x इज इक्वल, ये हम दोनों चीजें ड्रॉप कर देंगे। सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x में इधर पुट करूंगा। यहां से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। y की ये जो -4 वैल्यू है ये रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि y जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग की वैल्यू है, और लॉग में आप एक चीज देखना, जब भी आप माइनस करके कुछ भी डालोगे ना तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। हेंस यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस वैल्यू हियर। y की वैल्यू 25/2 आएगी और उसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यू जब आप x में डालोगे, इस वाले x में जब y इज इक्वल टू 25/2 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा 625/4, ये करिस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी x की। सो दिस इज योर सोल्यूशन। सो गाइस, ये था लॉगरिथम्स का, इतना इसको हमने जल्दी से कवर कर लिया। अब इसके बाद आपके पास रह जाता है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, इसके बाद आप करते हो, इसके बाद आपके पास सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस रह जाते हैं, और उसके बाद आई थिंक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज रह जाते हैं, और नेचुरल लॉगरिथम्स आ जाते हैं, ln फंक्शन आ जाते हैं, लॉग टू द बेस e वाले फंक्शंस आ जाएंगे, लॉग टू द बेस 10 वाले आ जाएंगे। तो वो हम वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी मैं, सो आई एम गोइंग टू बी अपलोडिंग दिस लेक्चर ऑन माई यूट्यूब, दिस यू मे बी सीइंग ऑन फेसबुक, यू कैन ऑल्सो, यू मे ऑल्सो बी वॉचिंग इट ऑन इंस्टाग्राम। तो फेसबुक के कॉमेंट में, अपनी फेसबुक की स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे, और अपने यूट्यूब पे, और इन वीडियोज के थंबनेल्स में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो आप लोग उसको सॉल्व करो, एंड एज यूजल सेंड मी योर आंसर्स ऑन इन द डीएम्स, और पोस्ट इट ऑन फेसबुक कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।